सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं और मेंबर्स की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं कि प्रभु आपको बहुतात से बरकत दे। आइए जब हम इस अहम संदेश में आते हैं, हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी हलीमी से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि हम पर तेरी दया कृपा और अनुग्रह बना रहे। प्रभु जी, आज जब हम इस अहम संदेश में रेजोरेक्शन ऑफ द राइचियस, जब इस विषय पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए कि सुनाने वाले के साथ हो और सुनने वालों के भी साथ हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए, उसकी आदर महिमा करते हुए कि प्रभु ने हमें जीवतों की दुनिया में रखा है और ये समय दिया है कि हम प्रभु के वचनों के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं। आज जो आपके सामने विषय लिया गया है वो है रेजोरेक्शन ऑफ द राइचियस, धर्मियों का पुनरुत्थान। देखिए, हम बीते हफ्ते में जिस विषय पर आपसे बात किए थे वो एक इस संदेश से संबंधित था कि व्हाट इज द लाइफ, डेथ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मरण हार, मैन इज मॉर्टल, इमॉर्टेलिटी, अमरता, ये किसकी है। और हमने बातचीत करी अधोलोक, हमने बातचीत करी थी बीते सप्ताह कि मृत्यु एक नींद है, इस संसार से जाना आवश्यक है क्योंकि मनुष्य परदेशी है, एक मुसाफिर है जो कुछ समय बिताता है और चला जाता है। हमने आपसे चर्चा करी थी अधोलोक, जो याकूब अपने पुत्र के लिए विलाप कर रहा है, उत्पत्ति की किताब 37वें अध्याय में, और वो कह रहा है कि मैं विलाप करते करते अधोलोक में चला जाऊंगा। हमने इस शब्द के ऊपर रोशनी डाली, अधोलोक, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में सियोल नाम से जाना जाता है इंग्लिश बाइबल में, और हिंदी बाइबल में हेड्स, HADES के नाम से जाना जाता है, जो इब्रानी और ग्रीक भाषा में ग्रेव को रिफर करते हैं, खबर, जो कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा अधोलोक में। इन सारे शब्दों का आज के संदेश से संबंध है, रेजोरेक्शन ऑफ द विकेट। देखिए, जिस तरह से मृत्यु दो हैं, एक इस संसार से जाना और दूसरी मृत्यु अनंत मृत्यु, जो हम अगले संदेश में आएंगे जब हम देखेंगे रेजोरेक्शन ऑफ द विकेट। देखिए, इसी तरह से जिस तरह से मृत्यु दो हैं उसी तरह से पुनरुत्थान भी दो हैं। आज हम आपसे जो बातचीत करेंगे वो केवल और केवल पवित्र कलाम से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम विषय है बातचीत करने के लिए। और हम देखते हैं, देखिए ये जो शीर्षक है रेजोरेक्शन ऑफ द राइचियस, ये रेजोरेक्शन क्या है। रेजोरेक्शन इज द रेस्टोरेशन ऑफ लाइफ। देखिए, पुनरुत्थान जो है ये क्या है, जीवन को बदलना है,
वापिस आना है, पुनरुत्थान, रेजोरेक्शन। इसको देखिए, हम जानते हैं इस शब्द का अर्थ समझ लें, राइजिंग अप अगेन, दोबारा से उठना, रिवाइवल फ्रॉम द ग्रेव, कब्र से जागना, मृत्यु से उत्थान, और फिर से रेजोरेक्शन, फिर से दोबारा। जो ये शब्द ही इस बात को दर्शा रहा है कि पुनरुत्थान, दोबारा से जी उठना, रेस्टोरेशन क्या है, देखिए, एक्ट ऑफ रेस्टोरिंग, रिवाइवल, पूर्व अवस्था में आ जाना, पूर्व अवस्था की प्राप्ति, वापसी, पुनरुद्धार। देखिए, ये दो शब्दों के अर्थ आपको हमने बता दिए हैं कि पुनरुत्थान क्या है, रेस्टोरेशन ऑफ द लाइफ, जीवन की दोबारा से वापसी। मनुष्य संसार में जीता है, कुछ समय बिताता है, चला जाता है और निंद्रा में सो जाता है। आइए आज हम जो है इस रेजुरेक्शन के बारे में पवित्र शास्त्र से देखेंगे। देखिए, मसीहत के चार स्तंभ हैं, विश्वास, भरोसा, प्यार और आशा। आशा सबसे बड़ी चीज है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। इस जीवन में हम दुख कष्ट उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, समस्याओं से जूझते रहते हैं और यही जीवन है। लेकिन आज हम जो है इस विषय पर जब बात करेंगे तो केवल और केवल पवित्र शास्त्र से। कोई भी शब्द आज ऐसा प्रयास नहीं होगा जो कि अपनी थिंकिंग, अपना आइडिया, विचार, बुद्धि और ज्ञान, ये सब ना हो करके परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन और ये पवित्र शास्त्र जो कि 2 तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है कि हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। ये वचन जो हमारे पास हैं, जिन शब्दों की हम व्याख्या बीते सप्ताह से कर रहे हैं, वो शब्द जो हैं बाइबल में, उनके लिए क्या बताया गया है, जो भ्रम पैदा करते हैं, जीवन, मृत्यु, अधोलोक, ये जो हैं भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है, क्योंकि 2 पीटर 2:21 में बहुत साफ लिखा हुआ है कि भक्त जन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के परमेश्वर की ओर से बोले हैं। भक्त जन परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति में प्रेरित होकर के परमेश्वर की ओर से बोले हैं। तो जो वचन हमारे पास पाया जाता है, ये परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है। तो आइए, जब हम इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे तो हम देखेंगे कि गॉड्स मैसेंजर हैव एक्सप्रेस्ड होप इन रेजुरेक्शन। परमेश्वर के जो संदेश वाहक हैं, जो मैसेज जिनके द्वारा आता है, नबियों के द्वारा, भक्तजनों के द्वारा, धार्मिक पुरुषों के द्वारा जो वचन मनुष्य जाति के पास आया है, उन्होंने देखिए किस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं। होप इन रेजुरेक्शन, पुनरुत्थान में आशा। हम यहां पर देखिए इस विषय को समझने के लिए ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखेंगे और न्यू टेस्टमेंट में भी हम आएंगे।
कि ये रेजुरेक्शन जो एक आशा है मसीहों के लिए। अय्यूब की किताब जब हम खोलते हैं तो 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत हमें बताती है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो ना जागेगा। देखिए, ये वो व्यक्ति है अय्यूब जिसने बड़ी शारीरिक तकलीफों का सामना किया, लेकिन भक्त जन परमेश्वर से प्रेरित होकर के बोलते हैं, जो एक धार्मिक पुरुष था लेकिन संसार में उसने बड़ा शारीरिक कष्ट उठाया, और वो कह रहा है कि मनुष्य लेट जाता है मृत्यु में और फिर नहीं जी उठता, जब तक आकाश बना रहेगा वो ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। यहां पर देखिए, बिल्कुल साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि मनुष्य नींद में है, और जब तक ये पृथ्वी है, ये आकाश है, जब तक ये बना रहेगा उसकी नींद नहीं टूटेगी। देखिए, यहां पर पुनरुत्थान की ओर इशारा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की ओर इशारा कर रहा है, जो हमने बीते दो सरमन में बातचीत करी थी, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तब तक उसकी नींद नहीं छूटेगी जब तक आकाश बना रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो है वर्णन किया गया है, मृत्यु एक नींद के समान है। अब देखिए, 14वें अध्याय के बाद हम 19वीं आयत में देखते हैं किस तरह से ओल्ड टेस्टमेंट में पुनरुत्थान के बारे में परमेश्वर के लोगों ने, जो संदेश वाहक थे, जिन्होंने परमेश्वर का संदेश मनुष्य जाति को पहुंचाया, और यहां पर लिखा हुआ है साफ, मुझे निश्चय है, दाऊद अय्यूब कह रहा है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक तो वो कह रहा है कि जब मैं निंद्रा में चला जाऊंगा और जब तक ये आकाश बना रहेगा वो निंद्रा नहीं टूटेगी, वो नहीं जागेगा। वो कब जागेगा? जब प्रभु यीशु मसीह की आमद होगी, जब ये आकाश पृथ्वी समाप्त हो जाएंगे। और यहां पर बताया जा रहा है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंत में देखिए, ये घटना करीब 3-4 हजार साल पहले की है। यहां पर वो कह रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, परमेश्वर की ओर इशारा, परमेश्वर को संबोधित कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को संबोधित कर रहा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं उसके दर्शन करूंगा। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की आमद, जो प्रभु यीशु मसीह दूसरी आमद में अपने लाखों लाख फरिश्तों के साथ बादलों पर आएगा अपने लोगों को लेने के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। आगे देखिए, हम देखते हैं ये अय्यूब ने वर्णन किया है, और आगे हम देखते हैं, देखिए किस तरह से जो है ईशाया नबी जो है, देखिए वर्णन कर रहा है। भजन संहिता में हम पाते हैं 49वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, प्रभु परमेश्वर मेरे प्राणों को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। होप इन रेजुरेक्शन, पुनरुत्थान की आशा, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक से छुड़ा लेगा। देखिए, इसी वजह से जब मैंने पिछली बार कहा था कि जब हम रेजुरेक्शन पे आएंगे, पुनरुत्थान,
तो हम उससे पहले कुछ शब्दों को पहले ही वर्णन कर दिए हैं पिछले संदेश में। अधोलोक, जो अधोलोक इशारा करता है खबर की ओर, जिसमें नींद है उसकी ओर इशारा कर रहा है कि मेरे प्राण को अधोलोक से छोड़ा लेगा, ग्रेव से। जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें परमेश्वर के वचन से आज आपको ये क्लियर करना मांगते हैं, छुड़ा लेगा क्योंकि वो ही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। होप इन रेजोरक्शन, होप ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की आशा, जो वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। दाऊद नबी कितने सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहा है, करीब 3000 साल पहले का ये वर्णन है। उसके बाद देखिए 2600 साल पहले इशाया नबी 26वें अध्याय की 19वीं आयत में कह रहा है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। मरे हुए लोग जो नींद में हैं, जो सो रहे हैं, वो जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी के बसने वालों, जय जयकार करो क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। पृथ्वी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सो रहे हैं, जिन्होंने विश्वास किया उद्धार कर्ता के ऊपर, सृष्टि कर्ता के ऊपर, पालन कर्ता के ऊपर, चंगाई करने वाले के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। बहुत से साफ शब्दों में देखिए, हम ओल्ड टेस्टमेंट में चल रहे हैं, दाऊद ने कहा, अय्यूब कह रहा है और इशाया नबी कह रहा है, और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। देखिए जो भ्रम हमारे अंदर पाया जाता है इस डेथ के लिए, मृतक लोगों के लिए कि उनका वास स्थान कहां है, जो पिछले संदेश में डिटेल में बताया गया। देखिए किस तरह से ये संदेश वाहक, ये नबी परमेश्वर के भक्त किस तरह से परमेश्वर का संदेश मनुष्य जाति तक पहुंचा रहे हैं, ये देखिए हमने ओल्ड टेस्टमेंट में देखा था। अब हम देखिए यहां पर जो है न्यू टेस्टमेंट की तरफ आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया और हम बीते 2 महीने से प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई पर विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पैरेबल्स के ऊपर, शिक्षाओं के ऊपर, चंगाइयों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर के जन्म लेकर के आसमानी बादशाहत का खजाना खोला। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी चीज को अंधकार में नहीं रखा, लेकिन हर शिक्षा का वर्णन करते हैं। और 5वें अध्याय में कहा जाता है, जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है। देखिए आपके सामने वो वचन प्रदर्शित किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि रेजोरेक्शन से संबंधित है, जो मृत्यु से संबंधित है, अधोलोक से संबंधित है, मरण हार से संबंधित है, अमरता से संबंधित है, न्याय से संबंधित है। प्रभु यीशु मसीह 5वें अध्याय की 21वीं आयत में साफ कह रहे हैं, पिता ने ये अधिकार पुत्र के हाथ में सौंप दिया है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। और देखिए प्रभु यीशु मसीह किस तरह से 5वें अध्याय की 28वीं और 29वीं आयत देखिए, जो पुनरुत्थान के विषय को बिल्कुल साफ कर देगी।
मृत्यु, पुनरुत्थान, न्याय, अनंत जीवन, इनके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। और देखिए 28वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मनुष्य किस अवस्था में जीवन व्यतीत करता है, उसकी मन स्थिति क्या है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं 28वीं आयत में, इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुन करके बाहर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने देखिए 5वें अध्याय की यूहन्ना की इंजील में 28वें और 29वीं आयत में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए पुनरुत्थान, यहां पर एक पुनरुत्थान नहीं है परंतु दो पुनरुत्थान हैं। एक भलाई करने वाले जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, और दूसरे जिन्होंने बुराई की है वो दूसरे पुनरुत्थान के भागी होंगे, जो हम अगले संदेश में आएंगे। यहां पर देखिए साफ साफ जिक्र हो रहा है कि मुर्दे कब्र में से जी उठेंगे। देखिए अभी तक हमने पिछले संदेश में और इस संदेश में अपनी धारणा को थोपने की कोशिश नहीं की है, अपने विचारों को ढालने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जो पवित्र शास्त्र कह रहा है, क्योंकि ये पवित्र वचन प्रभु के भक्तों के द्वारा, नबियों के द्वारा लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने जो होना है और होने वाला है उन घटनाओं का वर्णन किया है। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए। देखिए आज जो विषय लिया है धर्मियों का पुनरुत्थान, अगले विषय लिया जाएगा अधर्मियों का पुनरुत्थान, लेकिन यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं सृष्टि करता, उद्धार करता, पालन करता, जीवन की रोटी, जीव चट्टान, जीवन जल, वो कह रहा है धर्मियों का पुनरुत्थान, अधर्मियों का पुनरुत्थान, वो जी उठेंगे। अब हम देखिए इस पर स्टेप बाय स्टेप इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए कि होप इन रेजोरेक्शन। अब हम देखिए आएंगे यूहन्ना की इंजील और 11वें अध्याय में किस तरह से इस मृत्यु को और पुनरुत्थान के विषय को प्रभु यीशु मसीह ने देखिए इसका वर्णन किया है। यह 11वें अध्याय में पाया जाता है जब प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई यरूशलेम में कर रहे हैं वो, और वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर था बैथनिया, और बैथनिया में एक बहुत अजीज परिवार था प्रभु यीशु मसीह का, लाजर, मार्था और मेरी, जहां पर अक्सर प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे, बाइबल स्टडी चलती थी, वचन चला करते थे। लेकिन देखिए यहां पर वर्णन है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में है तो मार्था ने, मेरी ने खबर भेजी कि हे प्रभु, जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है वो बीमार है। ये सुनकर के प्रभु यीशु मसीह ने कोई ध्यान ज्यादा नहीं दिया, बल्कि चेलों से कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर 2 दिन रुका रहा, और 2 दिन के बाद अपने चेलों से कहता है कि हमें बैथनिया जाना है क्योंकि हमारा मित्र लाजर सो रहा है। 11वें अध्याय में देखिए प्रभु यीशु मसीह जानता था कि लाजर की मृत्यु हो गई है, 11वें अध्याय का साफ वर्णन है, वो जानता था, लेकिन वो अपने चेलों से कह रहा है कि वो सो रहा है। पिछले अध्याय में यही बताया गया था कि मृत्यु इस संसार से जाना है,
जो कि मनुष्य मुसाफिर है, और प्रेम मृत्यु जो है उसमें मनुष्य सो जाता है। अब यहां पर स्वयं सृष्टि करता, उद्धार करता, संसार का रचने वाला, वो कह रहा है कि हमारा मित्र लाजर सो रहा है। देखिए अब ये शब्द आगे को जो चलेंगे, कौन कह रहा है? पीछे दाऊद ने कहा, नबी ने, ईशाया नबी ने कहा, अय्यूब कह रहा है कि जब तक आकाश बना रहेगा ये नींद ना टूटेगी। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, परमपिता परमेश्वर। किस तरह से देखिए जो है मृत्यु के बारे में, अधोलोक के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह बेथनिया की ओर जाते हैं। जब मार्था ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है गांव में, तो वो दौड़ी हुई चली जाती है गांव के बाहर, और वो कहती है, मार्था ने यीशु से कहा, 21वीं आयत, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नाम कदापि ना मरता। देखिए मार्था कह रही है कदापि ना मरता, लेकिन मैं जानती हूं। देखिए नोट करिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहां से आया है? लेकिन मैं जानती हूं कि अंतिम दिन, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। देखिए अभी तक कहा गया अय्यूब के द्वारा, जो एक धर्मात्मा था, अभी तक कहा गया दाऊद नबी के द्वारा जो एक नबी था, अभी तक आपको बताया ईशाया के बारे में जो एक नबी था, लेकिन यहां पर देखिए मार्था कह रही है, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन, ये देखिए सेकंड कमिंग ऑफ जीसस की ओर इशारा हो रहा है, अंतिम दिन, एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो जी उठेगा। मार्था को हम नबियों की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा कि भक्त जन परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के जो है परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचाए हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो फिर वो जिएगा। यहां पर देखिए हमने प्रभु यीशु मसीह के अपने उद्धारकर्ता के विचारों को जाना, रेजुरेक्शन से संबंधित, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो जिएगा। मृत्यु, पुनरुत्थान, देखिए ये शब्द धीरे धीरे परमेश्वर के वचन से क्लियर होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की जब आमद होगी, जो हम डिटेल में आपसे वर्णन कर चुके हैं, वो लाखों लाख फरिश्तों के साथ, देखिए मत्ती की इंजील और 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत बताती है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा, और हर एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। फरिश्तों के साथ प्रभु की महिमा में, और उसकी आमद जो है विजिबल होगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय की 7वीं आयत बताती है कि हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख, प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में है, प्रत्येक व्यक्ति उसे देखेगा। उन घटनाओं का वर्णन करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आमद के समय होगी। यहां पर देखिए हम क्या देख रहे हैं, पहली चीज कि वो लाखों लाख फरिश्तों के साथ प्रभु की महिमा में दिखाई देने वाला होगा, विजिबल। उसकी आमद अंधकार में नहीं है, ज्योति में है, रोशनी में। प्रत्येक आंख पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, जिस तरह से बिजली चमकती है, उस तरह से प्रभु यीशु, वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 1:7 में कि जिन्होंने
उसे बेधा है जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, यातनाएं दी, दंड दिया, वो भी उसे देखेंगे। देखिए ये घटनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के ऊपर। अब हम देखिए न्यू टेस्टमेंट में जो है हमने प्रभु यीशु मसीह के विचारों को जान लिया। अब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद चेलों ने प्रचार शुरू किया, पौलुस रसूल ने प्रचार शुरू किया, और जब पौलुस रसूल कुरिन्थिस की कलीसिया में, जो एक प्रांत था जो यूनान देश के अंदर पाया जाता है, कुरिन्थिस के लोग जो थे विद्वान थे, संपन्न थे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे, व्यवस्था के जानकार थे, लेकिन पौलुस रसूल ने इतना बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह के मृतकों का पुनरुत्थान, धर्मियों का पुनरुत्थान, अधर्मियों का पुनरुत्थान, और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि पिता परमेश्वर ने ये न्याय का कार्य प्रभु यीशु मसीह पर सौंप दिया है, और आज ये संसार के अधिकांश लोग इस पर विश्वास करते हैं कि न्याय के दिन, अदालत के दिन, दूसरी आमद में प्रभु यीशु मसीह न्यायकर्ता के रूप में इस संसार में आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। इन विषय पर आगे बातचीत करते रहेंगे अभी अगले दो सर्मन में। लेकिन देखिए अब पौलुस किस तरह से इस मृत्यु को और इस पुनरुत्थान के बारे में वर्णन कर रहा है कुरिन्थियस के लोगों को, क्योंकि उनके अंदर भ्रम था पुनरुत्थान के लिए। भाइयों, बहनों, बच्चों, अजीजों, बुजुर्गों, बाइबल के अंदर ये एक ऐसा विषय है, मृत्यु, मरणहार, अमरता, अधोलोक, पुनरुत्थान, दूसरी आमद, इसमें कहीं ना कहीं भ्रम पाया जाता है। देखिए ये व्यवस्था के प्रेमी, ये व्यवस्था के जानने वाले कुरिन्थियस के लोग ये भी भ्रम में थे पुनरुत्थान के लिए। तो देखिए किस तरह से पौलुस उनको जो है परमेश्वर के वचन से बता रहा है, जो कि आत्मा से प्रेरित है, जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, वो क्या कह रहा है। इसलिए 15वीं अध्याय की 12वीं आयत, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मुर्दों में से जी उठा, वो तो तुम कैसे कहते हो कि मरुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। अब देखिए हम अपने विषय पर क्लोजिंग में आते जा रहे हैं। तुम कैसे कहते हो, वो कहते थे, क्योंकि देखिए ये इजिप्शियन थ्योरी थी उस समय, ये मेसोपोटामिया की थ्योरी थी, बेबीलोन में ये थ्योरी पाई जाती थी मृतकों के बारे में, वहां की सभ्यता के बारे में, कि मृतकों को लिए उनके लिए जगह बनाई जाती थी, सारी चीजें व्यवस्था उनके लिए कराई जाती थी, वो सोचते हैं कि यही वो जीवित है। लेकिन यहां पर पौलुस उन्हें समझा रहा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वैसे ही वो मृतकों को भी जिलाएगा। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो भ्रम की स्थिति में थे कि मृतकों का पुनरुत्थान है नहीं। आज हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस भ्रम की स्थिति में पाए जाते हैं, और वो ऐसा विचार करते हैं कि मृत्यु के बाद आदमी डायरेक्ट सीधा चला जाता है हेवन में, मृत्यु के बाद अर्थ और हेवन के बीच में जगह है जिसको वो अधोलोक के नाम से पुकारते हैं, और वो बीच में मंडराता रहता है, और जब हम उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं तब वो स्वर्ग जाता है। देखिए इस तरह की थ्योरीज भ्रम फैलाती हैं, और आज हमने आपसे यही कहा कि हम उन शब्दों का प्रयोग करेंगे आज जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। तो यहां पर पौलुस उन्हें समझा रहा है कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना
व्यर्थ है। और जिस तरह मसीह जी उठा उस तरह से मुर्दे भी अविनाशी दशा में जी उठेंगे। 15वां अध्याय, मैं चंद आयतों पे ही विचार कर रहा हूं, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करिए। पहला कुरिन्थियन 15वां अध्याय, सारा भ्रम दूर हो जाएगा मृत्यु से संबंधित, पुनरुत्थान से संबंधित। क्योंकि देखिए पौलुस रसूल यहां पर जो है 21वीं आयत में कह रहा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उसमें प्रथम फल है। जो सो गए हैं, देखिए ये नबी लोग, ये भक्त लोग, प्रभु यीशु मसीह ये मृत्यु को नींद बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमारा मित्र लाजर सो रहा है और मैं उसे जगाने जाता हूं। मार्था कह रही है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो जी उठेगा, तो मार्था कह रही है मैं जानती हूं, जबकि वो एक नबिया नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बड़े ध्यान से सुनती थी, जैसे आज हम और आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। और वो कह रही है कि मैं जानती हूं, सी हर फेथ, मैं जानती हूं कि वो अंतिम दिन पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। थ्योरी ऑफ डेथ एंड रेजोरेक्शन। तो यहां पर देखिए पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरुओं का पुनरुत्थान आया। मरुओं का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसी तरह से 15वें अध्याय में बहुत साफ शब्दों में वर्णन किया जा रहा है कि जैसे मसीह जी उठा वैसे ही उसके अनुयायी, उसके विश्वासी जी उठेंगे। 51वीं आयत में कह रहा, देखो मैं एक भेद की बात बताता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई के साथ होगा। अब देखिए एक शब्द और जुड़ जाता है प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए, अंतिम तुरई, जो कि प्रकाशित वाक्य में पाई जाती है, अंतिम सील। हम लोग छठी सील और छठी में रह रहे हैं, लेकिन जब अंतिम तुरई फूंकी जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जो अपने फरिश्तों के साथ, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, सातवीं तुरई फूंकते के साथ ही, और उसी को पौलुस रसूल वर्णन कर रहा है। जब अंतिम तुरई फूंकी जाएगी, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। रेस्टोरेशन, बदल जाएंगे, रेजोरेक्शन, नया जीवन। अगर हम इस शब्द को डिक्शनरी में भी देखने का कुछ प्रयास करते हैं, रेजोरेक्शन, इसमें भी बिल्कुल साफ लिखा फिर से जी उठना, दोबारा। जो मनुष्य नींद में सो रहे हैं वो जी उठेंगे। डिक्शनरी में साफ लिखा है मृत्यु से उत्थान, पुनरुत्थान, बदल जाएंगे। पौलुस रसूल बहुत ही साफ कह रहा है। और इससे साफ अगर हम और जानना मांगते हैं, जिससे कि आज ये भ्रम की स्थिति मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में निकल जाए, इससे अच्छा वर्णन और हम कहीं नहीं पा सकते। जो पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियंस के लोगों को कह रहा है, जो बड़े पक्के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह की आमद की राह उसी समय जो रहे थे, जो मैंने सेकंड कमिंग में बताया कि जो दूसरे अध्याय में कहा कि पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियंस के लोगों को बता रहा है कि किसी भ्रम में ना रहना, जब तक वो विनाश पुत्र नहीं आएगा तब तक अंत ना होगा। लेकिन चौथे अध्याय में किस तरह से मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए बोल रहा है,
आज ये संदेश हमारे लिए विश्वासियों के लिए बहुत अहम है, जो आज हम भी भ्रम की स्थिति में पाए जाते हैं। हमारे परिवारों में ये चर्चाएं होती हैं कि हमने अपने चाचा जी को देखा, मौसा जी को देखा, हमारे दादाजी तो स्वर्ग पहुंच गए, वो तो प्रभु की गोद में बैठे हुए हैं। ये बड़ी चर्चा का विषय आज भी है, आत्मिक वाद, जिसको पिछले संदेश में जिसका बयान किया गया था। ये आत्मिक वाद का पनपना और अंत के दिनों में ये बहुत तेजी के साथ पलटे आएगा, और इसका वर्णन भी हमने पिछले संदेश में किया था कि ये कौन सी आत्माएं हैं। 1/3 जो कि प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय की 7वीं आयत में पाई जाती हैं, तब माइकल और उसके दूत लूसिफर और उसके दूतों से युद्ध करने के लिए निकले, लेकिन वो प्रबल ना हो सके। तब 1/3 1/3 जिनकी संख्या को हम नहीं जानते, पवित्र बाइबल बताती है 1/3, लेकिन 2/3 अच्छे फरिश्ते हैं, 1/3 बुरे दूत पृथ्वी पर गिरा दिए गए लूसिफर के, और लूसिफर उनका सरदार है। यही चीजें हैं जो भ्रम फैलाती हैं, जो कोई ना कोई रूप दिखते हैं। इसलिए पौलुस रसूल देखिए थिस्सलुनीकियों के लोगों को बिल्कुल साफ कह रहा है, और आज के बाद ये भ्रम हमारा निकल जाए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। देखिए पौलुस रसूल उनके विषय में जो सो रहे नींद बता रहा है, क्योंकि सभा उपदेशक की किताब में पिछले संदेश में बताया था, वो कुछ नहीं जानते, उनकी कल्पनाएं समाप्त हो गई। दाऊद नबी कह रहा है कि अधोलोक में कौन तेरी प्रशंसा करेगा, समाप्त हो गया। अय्यूब कह रहा है कि जब तक नया आकाश नहीं पृथ्वी नहीं होगी, मेरी नींद ना टूटेगी। देखिए किस तरह से नबी लोग जो हैं एक आशा का संदेश पुनरुत्थान के बारे में दे रहे हैं, और पौलुस रसूल कह रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के सामने समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से पहले कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरई फूंकी जाएगी, वही 7वीं तुरई, अंतिम तुरई, जहां से प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग दूतों के साथ सिंहासन से खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल साफ वर्णन जो है 7वीं तुरई, और वहां पर यूहन्ना वाचा का संदूक देख रहा है, तुरई फूंकी जाएगी और वो आसमान को छोड़, सिंहासन को छोड़ करके बादलों पर अपने लाखों लाख फरिश्तों के साथ लेने के लिए आएगा। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, इस रीति से प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया। इससे साफ संदेश हमारे भ्रम को मिटाने के लिए पवित्र धर्म शास्त्र में और नहीं मिलेगा। हम जो सो रहे हैं प्रभु के आने पर जी उठेंगे, ये प्रथम पुनरुत्थान कहलाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के आने पर उठ खड़े हो। और जो पृथ्वी पर धार्मिक हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उससे मिलेंगे। धन्य वो हैं, पवित्र बाइबल कहती है, जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हुए कि प्रभु जी आज हम पुनरुत्थान के बारे में, खास करके प्रथम पुनरुत्थान के बारे में तेरे वचनों से अध्ययन कर सके, जबकि अगले संदेश में हम आएंगे दूसरा पुनरुत्थान। प्रभु सुनने वालों को बरकत दे, उनके परिवारों पर बरकत हो, और अपनी यूनिट के लिए प्रार्थना करते हुए कि प्रभु यीशु इस यूनिट पर तेरी विशेष कृपा दया दृष्टि रहे जहाँ से ये चैनल चल रहा है। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।